Hello student, myself Krishnakant, and in previous video we completed our second chapter. This is summary of second chapter video. So let's start. First line is, the input unit comprises the input device attached to the computer system to enter user data and instruction that is to be processed. Input unit जो हमारा होता है वो किसके साथ अटैच होता है, इनपुट डिवाइस के साथ, ठीक है। और ये वर्क क्या करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, डाटा यानी यूजर द्वारा इंटर किए गए डाटा और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। इनपुट यूनिट हमारा क्या क्या हो गया, जिसके द्वारा हम इनपुट के वर्क को करते हैं, किसके थ्रू, एक इनपुट डिवाइस के थ्रू। यानी इनपुट हम कैसे पुट करते हैं, इनपुट डिवाइस के थ्रू, किसके अंदर, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। वो हमारा इनपुट किस फॉर्म में होता है, किसी भी डाटा या इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में होता है। तो इनपुट यूनिट क्या करता है हमारा काम, हमारे यूजर यानी हमारे द्वारा इनपुट किए गए डाटा और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने का काम करता है। सेकेंड लाइन है, कीबोर्ड इज यूज टू इंटर टेक्सुअल डाटा इन द फॉर्म ऑफ लेटर डिजिट और एंड सिम्बल। कीबोर्ड क्या है हमारा, एक इनपुट डिवाइस है जिसका वर्क क्या है, हमारे डाटा को इंटर करना, मतलब इनपुट करना। ये किस तरह के डाटा को इनपुट करता है, टेक्सचुअल डाटा, मतलब कि टेक्स के फॉर्म में जो डाटा होता है उस टाइप के डाटा को यह इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि लेटर हो गया, कोई भी डिजिट हो गया, या फिर कोई सिंबल हो गया, इन सभी टाइप के डाटा को हम किसके हेल्प से इनपुट करते हैं अपने सिस्टम में, कीबोर्ड के हेल्प से। नेक्स्ट लाइन है हमारा, माउस। माउस इज वन ऑफ द पॉइंटिंग डिवाइस यूज टू वर्क इन द ग्राफिकल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ अ पॉइंटर मूविंग ऑन द स्क्रीन। माउस क्या होता है हमारा, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, यानी कि जिसके द्वारा हम किसी चीज को पॉइंट कर सकते हैं, यानी सेलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंट, ठीक है, पॉइंट करके हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका यूज क्या है, इसका यूज है ग्राफिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। किस तरह का वर्क करता है ये, ग्राफिकल एनवायरनमेंट, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटिंग मूविंग ऑन द स्क्रीन। मतलब कि एक पॉइंटर होता है जिसको कि हम स्क्रीन पे मूव करते हैं, चाहे वो एरो के फॉर्म में हो, डॉट के फॉर्म में, किसी भी अलग अलग टाइप के फॉर्म में होता है। जैसे ही हम जैसे जैसे माउस को रोटेट करेंगे, वैसे वैसे वो पॉइंटर स्क्रीन पे रोटेट होगा, ठीक है। और जिस चीज़ का हम यूज करना चाहते हैं उस पॉइंट पे पॉइंटर को ले जाके हम क्लिक करके उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन है, अ स्कैनर इज यूज टू इनपुट डायरेक्टली फ्रॉम अ पेज। स्कैनर का क्या काम है, स्कैनर हमारे किसी भी पेज को स्कैन करके हमारे सिस्टम के अंदर पुट करता है, यानी एक इनपुट का काम करता है। या क्या करता है, डायरेक्ट क्या करता है, पेज को इनपुट करता है, यानी ये कोई भी चीज़ को मॉडिफाई करने का काम नहीं करता। अगर जैसे ये एक सिंपल सा पेज है, इसको हम चाह रहे हैं, ये रफ पेज हमारा मतलब हार्ड कॉपी है, इस पेज को हम अपने सिस्टम में देखना चाह रहे हैं या फिर इनपुट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पेज को स्कैन करेंगे, ये सेम जैसा ये पेज सिमिलर हमारे सिस्टम के अंदर जाके पुट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। डिवाइस इज यूज टू रीड द मैग्नेटिक कैरेक्टर प्रिंटेड ऑन अ डॉक्यूमेंट सच एज अ चेक। MICR क्या होता है, एक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर होता है, मतलब कि एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो मैग्नेटिक इंक के द्वारा लिखा होता है। इस डिवाइस का यूज क्यों करते हैं, MICR क्या एक डिवाइस है, इसका यूज हम क्यों करते हैं, किसी भी मैग्नेटिक कैरेक्टर को पढ़ने के लिए, यानी कि वैसा कैरेक्टर जो कि मैग्नेटिक फॉर्म में, वैसा डॉक्यूमेंट जो कि मैग्नेटिक फॉर्म में लिखा हुआ है, उस कैरेक्टर को हम पढ़ने के लिए या समझने के लिए हम किसका यूज करते हैं, MICR। जैसे कि चेक, चेक के अंदर हमारा एक डिजिट में चेक नंबर दिया होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक अलग फॉर्मेट में लिखा होता है, ठीक है, वो क्या फॉर्मेट है हमारा, वही मैग्नेटिक फॉर्म है। नेक्स्ट लाइन है हमारा, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इज अ टाइप ऑफ स्कैनर विच स्कैन द हैंड राइटिंग और प्रिंटेड टेक्स्ट ऑन अ पेपर एंड कन्वर्ट्स इट इनटू द एक्चुअल टेक्स्ट विच कैन बी एडिटेड यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसर। OCR क्या करता है, जैसे कि हमारा MICR क्या किया, सिंपल एक पेज को उठाया और हमारे सिस्टम के अंदर
पुट कर दिया, तो पेज को उठा के पुट किया। लेकिन हमारा OCR क्या करता, अगर हम कोई पेज ब्लैंक पेज में खुद से कुछ लिख रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, उस चीज़ को हम चाह रहे हैं कि हम सिस्टम के अंदर डाल के उसका मॉडिफाई या एडिट करें, यानी हम अपने वर्ड प्रोसेसर में डालें। वर्ड प्रोसेसर क्या है, टेक्स्ट एडिटर है जिसके अंदर टेक्स्ट से रिलेटेड वर्क को एडिट या मॉडिफाई या बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के यानी यूजर द्वारा हैंड राइटिंग मतलब खुद से लिखा हुआ अगर पेज को हम एडिट करना चाहते हैं अपने सिस्टम के अंदर विद द हेल्प ऑफ इनपुट, इनपुट करने के बाद तो हम किसका यूज करते हैं, OCR का। नेक्स्ट लाइन है हमारा OMR। OMR क्या है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। इसका क्या यूज है, दिस डिवाइस इज यूज टू रीड द मार्क मेड बाई अ पेंसिल और अ पेन ऑन अ स्पेशल सीट। OMR क्या करता है, ये भी जस्ट लाइक क्या है, OCR है, लेकिन OCR हमारा ब्लैंक पेज होता है। लेकिन OMR क्या होता है, इसका भी यूज हम कैसे करते हैं, इसके अंदर हम पेंसिल या पेन के थ्रू हम किसी भी चीज़ को लिखते हैं या मार्क करते हैं, जो कि एक स्पेशल सीट होता है, यानी इसका पेज जो होता है एक स्पेशल सीट फॉर्म में होता है। जैसा कि एग्जाम में आप लोग देखते होंगे ऑप्टिकल सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या रहता है, एक OMR सीट आता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर वन इसका ऑप्शन यहाँ ब्लैंक सर्कल फॉर्म में दिया रहता है। तो हम क्या करते हैं, इस सर्कल को या तो पेन से या तो पेंसिल से हम क्या करते हैं, फिल करते हैं जो भी हमारा, या जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर वन का आंसर ABCD चार ऑप्शन दिया है, अगर हमारा सी है तो हम क्या करेंगे, सी के सर्कल को सिर्फ क्या करेंगे, कवर करेंगे किसी भी पेन या पेंसिल से। तो इस टाइप के पेज को स्कैन करने के लिए या फिर समझने के लिए कंप्यूटर किसका यूज करता है, OMR का। नेक्स्ट लाइन है, अ वेब कैम कैप्चर फोटो एंड स्टोर दैम डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर। वेब कैम का क्या काम है, ये एक तरह का कैमरा होता है जिसके अंदर अपना कोई स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज नहीं होता है, ये क्या करता है कंप्यूटर के से डायरेक्टली कनेक्ट होता है और इसके अंदर जो भी फोटो कैप्चर होता है डायरेक्ट किस में जाता है, हमारे सिस्टम में जाता है। नेक्स्ट लाइन है, अ टच स्क्रीन इज अ स्क्रीन विच गिव्स इनपुट टू अ कंप्यूटर बाय टचिंग इट। टच स्क्रीन क्या होता है, जैसे कि हमारा मोबाइल है, टच स्क्रीन क्या होता है, एक स्क्रीन होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को इनपुट कब देता है, जब हम इस स्क्रीन को टच करते हैं, ठीक है। द आउटपुट, नेक्स्ट लाइन है, द आउटपुट जनरेटेड बाय द कंप्यूटर इज स्टोर्ड डिजिटली इन द मेन मेमोरी ऑफ द सिस्टम। जो भी हमारा आउटपुट यानी जो भी हमारा रिजल्ट बनता है कंप्यूटर के अंदर, वह स्टोर क्या होता है, किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में होता है और किसके अंदर होता है, सिस्टम के मेन मेमोरी के अंदर होता है। नेक्स्ट लाइन है, अ मॉनिटर डिस्प्ले द आउटपुट। मॉनिटर का क्या काम है, ये आउटपुट को डिस्प्ले करता है, चाहे वह आउटपुट टेक्स्ट के फॉर्म में हो, पिक्चर के फॉर्म में हो या फिर वीडियो के फॉर्म में हो। नेक्स्ट लाइन है हमारा, अ प्रिंटर गिव्स द आउटपुट। प्रिंटर का भी क्या वर्क है, यह आउटपुट देता है, लेकिन यह हमारा सॉफ्ट कॉपी में देता है मॉनिटर, और प्रिंटर हमारे हार्ड कॉपी में देता है यानी पेपर के फॉर्म में देता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है हमारा, अ प्लॉटर ऑल्सो गिव्स द आउटपुट ऑन अ पेपर। प्लॉटर भी क्या काम करता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है, लेकिन स्क्रीन मॉनिटर क्या करता है, स्क्रीन पे देता है। प्रिंटर एक स्मॉल पेज A4 A3 साइज में देगा और प्लॉटर क्या हमारे बड़े साइज में क्या प्रोवाइड करता है, जब हमारा साइज बड़ा होता है पेपर का तो उस तरह का प्रिंट आउट के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम प्लॉटर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है हमारा, अ प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज अन इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, हमारा इंटरनल मेमोरी होता है या फिर मेन मेमोरी किसी भी कंप्यूटर का